सबसे पहले भोजपुरी सुनने वाले भैया लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम म्यूजिक आजमगढ़ के सौजन से बड़े भैया अभिमन्यु यादव जी के देखरेख में, भाई राजन यादव जी के निर्देशन में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भारत मां के आंचल के जो दो श्रृंगार हैं, दो सपूत हैं, एक जवान और दूसरा किसान, जो पूरे देश को एक रोटी देता है और दूसरी सुरक्षा प्रदान करता है, सम्मान प्रदान करता है, उनके प्रति समर्पित ये गीत आप जरूर प्यार और दुलार देंगे। कैसे मास्टर? परति सवार तोर जिंदगी सरैली परती सवार तोहर जिंदगी सरैली धरती का कैला सिंगार जवान जाग मोरी देशवा के जाग हो मजदूर किसान जवान जाग मोरी देशवा के जय जवान जय किसान का इस देश में नारा लगता है, लेकिन दोनों की हालात निश्चित रूप से कहूंगा कि आने वाली जो सरकारें हैं देश के अंतर्गत, ये सरकारें दोनों को दुर्दशा के मुंह में ढकेलने का काम किए हैं। दोनों की हालात बदतर है। जवानों को और किसानों को जागना होगा, मेहनत करते हैं हम, लेकिन तो हर पसीनवा से उगे हीरा मोतिया उगे हीरा शोषक सजावे बलियन धन से कोठिया सजावल बलायन धन से कोठिया जकरा के हम मलकार बनौने के बनावल किसान देश का, जिसको हमने मालिक बनाया, जिसको मुख्यमंत्री बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, करते क्या है भैले लुटेरा यही दसवा के माली भैले लुटेरा यही दसवा के माली लूट लिहल खेत खरिहान जवान जाग मोरी देशवा के जाग हो मजदूर किसान जवान जाग मोरी देशवा के आज देश के सम्मान के लिए सीमा पर जवान अपने जान की कुर्बानी दे रहा है। दूसरी तरफ किसान अपनी आर्थिक तंगी से, बढ़ती महंगाई से लाचार होकर के आत्महत्या कर रहा है। भाव है, कवि ने लिखा है, मेहनत कस जनता का रात ना ओराले रात ना आंसू पिला के कबल बचवल के पाले बचवल के दुख होला जब एक मंत्री का बेटा, एक अधिकारी का बेटा किसी एक नंबर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और गरीबों के लिए यही मंत्री सदन में बैठ करके, संसद में बैठ करके
इन सरकारी स्कूलों में गरीबों को बच्चों को भेजते हैं, उनको वजीफा देते हैं, उनको ड्रेस देते हैं, उनको भोजन भी देते हैं। अरे कितना इस देश को नीचे ढकेलना चाहते हो तुम लोग। अगर व्यवस्था करना हो तो एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, सबके लिए समान व्यवस्था लागू करो, ये भारतीय संविधान कह रहा है। लेकिन ये ना इंसाफी है। आज देश मजबूर है, फ्री में राशन लेवे खातिर लोग जान देत बा। फटही गुदरिया ना जाड़ा निभाए, आज देश के हालात है। फटही गुदरिया ना जाड़ा निभाए, कहियाल होई गए बिहान जवान जाग मोरी देशवा के, जाग हो मजदूर किसान जवान जाग मोरी देशवा के। दुर्दशा की हद हो गई है। देश के उन नौजवानों से मैं निवेदन कर रहा हूं इस गीत के माध्यम से, अय देश के नौजवानों किसानों, लोग कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आपके बाजुओं में वो पौरुष है। कभी ये देश 607 साल तक लगातार गुलाम था, कोई सपने में भी आजाद होने की कल्पना नहीं कर पाता था। लेकिन मुट्ठी भर नौजवानों ने जब देश के अंदर आजादी की लड़ाई को छेड़ दिया तो दुश्मन सात समुद्र पार गए और मुल्क में आजादी आई। लेकिन आज देश अपने ही लोगों से परेशान है, इसलिए कहना है तो हर ही हथवा में बाटे पतवार हो। अरे नौजवानों, आप ही देश के भविष्य हो, तो हर पे बात यही देशवा के भार हो, देशवा के। नहीं आके खे के लगा दो किनारे, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, नहीं आके खे के लगा दो किनारे, तोहरे बस शक्ति महान जवान जाग मोरी देशवा के, जाग हो मजदूर किसान जवान जाग मोरी देशवा के। गीत की आखिरी कड़ी है, जब इस देश की कुर्सी पर प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री, जब किसान का बेटा बैठा है मित्रों, संसद में जाने के लिए अपने कोट में बटन अपने सुई या धागा से घरों में लगवा अपने हाथे से लगावे, दुल्हन गले के अरे देश के प्रधानमंत्री हुआ है कि दूसर कोट सिवा लेते हैं सुई धागा बिना कौन न काजवा। लेकिन किसान का बेटा वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला, जिन्होंने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, उसने कहा अपने पास वो पैसा नहीं है और नई कोर्ट अगर बनवाना पड़ेगा तो देश का तो पैसा है लेकिन देश का पैसा अपने लिए नहीं लगाऊंगा। जय जवान जय किसान और ना सोवा, और ना सोवा। देशवा पुकारत बा समय ना खोवा, समय ना। ले ले अंगड़ाई जाग पाके बहादुर, और ले ले अंगड़ाई
जंग खात कैदा यलान जवान जाग मोरी देशवा के जाग हो मजदूर किसान जवान जाग मोरी देशवा के किसान जवान जाग जाग हो मजदूर किसान जवान जाग।